जय जोहार, स्वागत है आपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। दिन भर के जबर खबर के संग मैं हूँ आपमन के संग प्रकाश। जबर खबर में हमन बात करथन आपमन के क्षेत्र के, आपमन के शहर के, आपमन के गली खोर के जम्मो खबर के बारे में जिन आपमन के जिंदगी में असर डालते। तो चलो शुरुआत करथन जबर खबर के। सबले पहली हमर संग जुड़ा थे कबीरधाम जिला ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर तिलेश सेन। तिलेश, आज अगर कबीरधाम जिला के बात करे जाए तो वन मंत्री मोहम्मद अकबर ह लाइव आए रही से और बहुत सारा घोषणा घलो करे है। का कुछ प्रमुख बात उखर लाइव जब उमन आई से तो निकल के सामने आई से? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दो, वन पर्यावरण मंत्री और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी आज पत्रकार मन से लाइव चर्चा करीन और उखर मन के सवाल के जवाब घलो दिन। तो आज जो वन मंत्री है ओमन रोजगार मूलक कार्य जिन हिवा वन विभाग के द्वारा और जिन लोगन ला रोजगार ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करे बर जिन योजना उमन बना है उखर बारे में हमन मन से चर्चा करीन और उमन बताइन कि जिन वन विभाग में जैसे कि महुआ के खरीदी पर जिन पहली महुआ के जिन रेट रही से शासन द्वारा निर्धारित रेट रही से 17 रुपया और जिन व्यापारी मन के द्वारा जिन निर्धारित रेट रही से 25 रुपया। तो ये ज्यादा से ज्यादा सरकार इखर खरीदी करे बर वन विभाग के द्वारा ये दरी जिन महुआ के रेट है बोला बढ़ा के 30 रुपया कर दिए गए हैं और रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि करते हुए जैसे कि गार्ड के कमी रही से वन मन में तो गार्ड के भर्ती बताई गई से वन मंत्री द्वारा कि 300 गार्ड सीधा भर्ती के द्वारा लिया जाए और यही कड़ी में 59 जिन रेंजर मन है उकरो भर्ती करे जाए और वन मंत्री बताइस कि जिन है महिला समूह है उखर मनवर उमला रोजगार प्रदान करे बर उमला 50 लाख जिन मास्क है उखर निर्माण करे के टेंडर दिए गए हैं। उखर मन से जिन एक एक प्रति जिन मास्क है 8 रुपया प्रति दर के हिसाब से खरीदी करे जाए। ये प्रकार से मोहम्मद अकबर है अपन जिन वन और परिवहन विभाग के जिन लोगन ला राहत प्रदान करे बर लॉकडाउन के दौरान जिन राहत प्रदान करे बर जिन कार्य योजना है उसके बारे में चर्चा करी है। जी प्रकाश जी, बिल्कुल तिलेश, लॉकडाउन के बीच ये जो तमाम घोषणा वन मंत्री मोहम्मद अकबर है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जतका भी जो मीडिया कर्मी है उखर सामने आईन है और ये सब बात ला करीन है। एकर अलावा अगर कबीरधाम जिला के बात करे जाए तो लगातार कच्चा महुआ के जो बिक्री है वो हुआ थे, जो शराब है ओखर कहीं ना कहीं जो खबर आवा थे तो अभी तक वो क्षेत्र में जो कबीरधाम जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ऐसे भी माने जाते कि काफी वन ले आच्छादित थे, महुआ के बहुत पेड़ वहां पाए जाते। तो अभी तक कतका लीटर महुआ शराब के वहां पकड़ा है? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दें कि जिन कवर्धा जिला है उखर आसपास से जंगल लगे हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा जब से लॉकडाउन हो है लगभग 1 महीना हो चुके हैं लोगन ला ज्यादा से ज्यादा शराब के तलब रही थे तो लोगन हा अपन तलब ल मिटाए बर ये जंगल क्षेत्र में जाते और जंगल क्षेत्र के लोगन हा अधिक से अधिक अपन आय ला बढ़ाए बर जिन महुआ के शराब निर्माण करते। तो हमन जिन चर्चा हुई से आबकारी विभाग के द्वारा के संग तो वहाँ आबकारी अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक 140 लीटर महुआ लोगन से जब्त करे गए हैं और लगभग 36 मामला दर्ज करे गए हैं उखर खिलाफ। जी तिलेश, ये पूरा तमाम जानकारी भर आप मन के धन्यवाद। अब चलथन हमन कोरबा जिला के अंतर्गत कटघोरा जिला कोरोना भर हॉटस्पॉट घोषित करे गए है। सबले ज्यादा जो केस आए है वो कटघोरा ले आया है तो जानथन कटघोरा के हालचाल की वहां अभी लॉकडाउन के का स्थिति है और अभी कतका झनला वहां क्वारंटाइन करे गए का वहां के जो स्थिति है वो अभी के समय में नजर आवा थी। हमारे संग जुड़ा थे हमारे डिजिटल रिपोर्टर मंतराम चंद्रा जी। मंतराम जी, आप मन सो जानना चाहूं अभी कटघोरा के का कुछ स्थिति है? जय जवाहर प्रकाश जी, जानकारी दहा कि अभी राहत के बातें है कटघोरा के लिए कि पिछले 4 दिन से यहाँ कोई भी और मरीज नहीं मिले और बताना चाहूँ कि अभी जो 17 जन मरीज कोरबा जिला में स्वस्थ होके आ गए है तेमा 16 जन कटघोरा के है और 11 मरीज अभी भी कटघोरा में उमन के रायपुर के एम्स में उमन के इलाज चलत है और उमन के स्वास्थ्य में सुधार अभी आ जात है।
और लॉकडाउन की अगर बात करूं तो प्रशासन बहुत मुस्तैद है, खास करके कटघोरा क्षेत्र और पूरा कोरबा जोन जो है रेड महावे लाल महावे, तो उकर मद्देनजर भूपेश बघेल जी खुद कलेक्टर और एसपी से पूरा पल पल के जानकारी लेते हैं और कटघोरा में विशेष नजर बनाए हुए जी। मंत्राम जी, वो जो क्षेत्र एक पर्टिकुलर जो एरिया है जो मोहल्ला है वहाँ का कुछ स्थिति देखे ला मिला थे का सही मा वो चीज पालन हुआ थे कि पूरा तरह ले वाला सील कर दिए गए है, कोई भी वहां ना आ सके ना कोई जा सके? हाँ, जानकारी दहा कि ये कटघोरा के एक क्षेत्र है जहाँ विशेष ज्यादातर जो मरीज मिले हैं वही क्षेत्र से मिले हैं, तो वाला पूरा लॉक कर दिए गए हैं, दोनों साइड में पूरा लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए और पुलिस प्रशासन वहाँ मुस्तैद खड़े है और सात जिला के डॉक्टर की टीम वहाँ ब्लड सैंपल लेते हैं, जांच करते हैं। अभी 2059 सैंपल के जांच हो रही से जमा 1700 से ऊपर जो है निगेटिव पाए गए है, ये राहत की बात है। अभी भी बाकी जांच चलत है, अब रिपोर्ट आए में पता चली कि और उमा मरीज मिल पाते कि नहीं। जी मंत्राम जी, कल 21 तारीख को अंतिम जो निर्णय है वो सरकार ये लॉकडाउन के बारे में ली, हालांकि पहली ले ये बात तो एकदम से स्पष्ट हो गई है कि तीन जोन में बांटे जाही, जिमा ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन रखे गए, जिमा कटघोरा जो है वो रेड जोन के अंतर्गत आते। तो का ये उम्मीद करे जाए कब तक स्थिति है पूरा तरह से सामान्य हो पाही और ये जो रेड जोन है वो फिर से ग्रीन जोन बन पाही? उम्मीद तो लगाया जा सकत है, काबा की अभी चार दिन से कोई मरीज नहीं मिले तो भविष्य में भी ऐसा नहीं हुए और एला देखते हुए कोरबा में नव निर्मित ईएसआईसी के हॉस्पिटल बनत रही थे और बन के लगभग तैयार हो गए है, वाला गवर्नमेंट अपन हाथ में ले थे और वाला क्वारंट जो जितना पेशेंट है उनके इलाज के लिए हो सके तो कुछ दिन के अंदर में मुहैया कराया जाए, डॉक्टर स्टाफ भेजा जाए, तो नवनिर्मित हॉस्पिटल रही से ये ईएसआईसी के गवर्नमेंट अपन अधीन में ले चुके हैं और वहाँ डॉक्टर मन के रहे अलग से रूम घलो बने हैं तो उमन के लिए भी सुविधा है और 100 बेड के हॉस्पिटल है जिसमें 33 तो पर्सनल वार्ड है, सिंगल वार्ड है। अच्छा। साथ में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ये पुख्ता जानकारी मैं कुछ देर बाद और आप मतलब बता पा, अभी जितना जानकारी मिल पाए उसके हिसाब से आप मतलब बताता हूँ कि 100 सैया हॉस्पिटल बनने वाला रही से ये एसआईसी के वाला गवर्नमेंट अपन अधीन में लेते हैं। जी मंत्राम जी, अगर बात करे जाए लॉकडाउन के पालन करेंगे तो हमन देखा था कि चाहे जिन ग्रीन जोन में है तब बोले कि चाहे वो ऑरेंज जोन में है वहां भी कड़ाई से अभी तक पालन करवाए जावा थे, तो कटघोरा में अभी का स्थिति देखे बल मिला थे, पुलिस कतका सख्ती करत है? पुलिस के बहुत बढ़िया अभी यहाँ रिपोर्ट आवे, बहुत बढ़िया सख्ती करत है, जहाँ खास करके कटघोरा के बात करबो तो वहाँ आसपास से कोई भी क्षेत्र अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर के भी आदमी लोग अंदर में प्रवेश नहीं दिए जाते। साथ में कटघोरा से जो अदर क्षेत्र में एसीसीएल में या और कोई डिपार्टमेंट में काम करत है वो मतलब पूर्ण रूप से रोक दिए गए है, सब अपन घर में क्वारंटाइन कर दिए गए है। साथ में नजदीक के जो खदान है जैसे अगर एसीसीएल भेलवाड़ी की बात किया जाए तो वहां के भी कटघोरा से पहले जो आके ड्यूटी करत रही है तो जो वहां के जो कर्मचारी है वह मतलब क्वारंटाइन के असर ना हो ही करके वो मतलब अभी घर में अभी क्वारंटाइन कर दिए गए है, घर में बैठा दिए गए है कि अपन अभी घर में ही सुरक्षित रहे, ड्यूटी आके जरूरत नहीं है। राज जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अभी मंत्राम जी ले, मंत्राम जी जैसे अभी लॉकडाउन चलत है तो आप मन सबसे हॉट जगह में हो कटघोरा कोरबा एरिया में, तो वहाँ लोगन मन ला जो आम लोगन मन ला है साग भाजी दूध राशन ये सब के तकलीफ हुआ थे, अगर तकलीफ हुआ थे तो पर कैसे निदान मिला थे ये बताओ? खैर सरकार है एकर सुविधा तो दिए जाते कि आस पास क्षेत्र में रोज डेली मार्केट घलो लगा थे, बाजार घलो लगा थे जो छोटे मात्रा में लगा थे, सोशल डिस्टेंसिंग ला ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूर दूर में लगा थे और पुलिस भी नगर निगम के अधिकारी भी वहाँ बैठा थे, अगर भीड़ होते तो वाला डांट के भगाए जाते कि तुमने दूर में दूरी बना के रखा, और पब्लिक भी बहुत समर्थन देते थे जो मोदी जी के आदेश है कि लॉकडाउन के पालन करा करके सोशल डिस्टेंसिंग बना के चला, तो वो चीज पालन कर रहे थे। खास करके एक पालन करना पड़ा था कि छत्तीसगढ़ में अगर 28 जिला है तो एकलौता जिला हरे जिला रेड जोन में रखे गए है, अकलौता रेड जोन में, बाकी 4 जो डिस्ट्रिक्ट है ऑरेंज जोन में है, तो ये दुर्भाग्य घलो है कोरबा के लिए कि ऊर्जाधानी कहलाते और यहाँ सबसे ज्यादा आज रेड जोन में हावे, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तो ध्यान दिए जाते, प्रशासन भी अपन तरफ से बहुत मुस्तैदी से अपन ड्यूटी कर रहे थे, पूरा प्रशासन यहाँ बढ़िया अपन मुस्तैदी दिखा थे।
जी मंतराम जी, अभी आप मन बात कर रहे हो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के तहत लोगन साग भाजी खरीद पाही, फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक ऐप घलो जारी करे गए है सीजी हार्ट ऐप, जेकर माध्यम से लोगन घर बैठे साग भाजी ले सकत है, तो का जमीनी स्तर में ये चीज देखे बर मिलत है आप मन ला? नहीं, यहाँ तो अभी उस तरीके से नहीं मिल पाते, जहाँ तक लोगन मन ला जागरूक करे बा पड़ी, अगर यहाँ के अभी आम नागरिक मन जागरूक नहीं हुए तो थोड़ा सा समय लग सकते है, हो सकते है एक बाद उपयोग में यहाँ आ जाए। एक आखिरी सवाल मंत्राम जी, कि कटघोरा एक ऐसे क्षेत्र है, एक ऐसे पड़ाव है जिन जो लंबा हाईवे है उखर बीच में पड़ते, चाहे अंबिकापुर जाना हो या फिर जो भी सड़क मार्ग के द्वारा जो भी परिवहन होते लंबा लंबा दूर तक जाए वाला, तो वहां कटघोरा एक स्टॉपेज पड़ते, तो अगर ये रेड जोन जब तक रही तब तक कोई भी जो वाहन है वो ला पार करके तो जा नहीं पाई, तो भले ही बाकी जो ग्रीन जोन है चाहे वो ऑरेंज जोन है कहीं ना कहीं उखर प्रभाव पड़ी, कहे कि कोरबा जिला एक ऐसे जिला है जो राजधानी ऊर्जा की राजधानी माने जाते हैं, और संगे संग अभी हमन ला यहू पर यहू चीज देखे पर मिली से कि एक एसईसीएल कर्मी के घलो कोरोना पॉजिटिव आए के खबर मिले रही, जेकर ले पूरा खदान मा कहे का मतलब एक भय के वातावरण निर्मित हो गई रही कि अगर एक व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं हर कोई ला वो संक्रमित कर सकत है। हाँ, अगर जैसे परिवहन चालू हुई तो ओकर लिए बाईपास के घलो सुविधा आवे जो सुतर्रा से कट जही झेलवटी होते हुए और वो कटघोरा से 4 किलोमीटर आगे निकाली, तो वो बेनिफिट वहाँ के परिवहन मतलब मिल सकत है, और एसईसीएल कर्मचारी के मिले के बाद वही आप मतलब जो पहले बताए हो जानकारी दे हो कि नजदीक में जो खदान है उमन के जितना कर्मचारी है उमन ला भी सूचित कर दिए गए है और घर में क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। जी चलो, तो मंत्राम जी ये पूरा तमाम जानकारी पर आपन के धन्यवाद, हमर सो जुड़े हैं आपन। अब हमन चलथन रूपेश कुमार कना अकलतरा ले हमर संग जुड़ी। रूपेश, रूपेश आपमन सो ये जानना चाहता हूँ अकलतरा ले जो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आए लॉकडाउन के बीच में, एक 13 वर्षीय लड़का के द्वारा पूरा तालाब ला भरे गई से नहर के माध्यम ले, तो ये का कुछ जो किस्सा रही बोला आप मन से जानना चाहो। प्रकाश जी, आपन जो बोला था वो बिल्कुल सत्य हवा है, खबर की मैं गांव रहे या कंपरा विकास के अंतर्गत आते ग्राम पंचायत पचरी हवा ये है, ओड़ी दला के आश्रित गांव है, यहाँ 13 साल की जो लड़का हवा है वो ऐसे काम करके दिखाई की पूरा आस पास के गाँव होकर ऊपर गर्व करते हैं, जिसे बात करूं कर गर्व वाली बात के तो वह 13 साल की उम्र है, लेकिन उकर काम ला देखी तो काम ऐसे लगा कि वो बड़े स्यान घलो नहीं कर सका, वह 1 किलोमीटर तक ले लंबा नाली बना के नहर के पानी ला एक सूखा तालाब में पूरा भरे, मेरे को रिपोर्ट ले भी कर रहे हैं, बोला मैं पूछे भी हो तो बताइए तो ला कोनो कह दे सका कि सरपंच कैसे, तो बोले नहीं बोल कोनो प्रकार के कोई आदमी नहीं बोले है, केवल मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी वैसे बोले, फिर वो बताइए कि मैं कि हमारी जो गाय गरुआ है ये मन आए दिन पानी प्यास में अपन प्राण ला त्याग देते, यही सोच विचार के मैं है तालाब ला भरे की कोशिश करत हूं। जी जी, जी। एकर अलावा रुपेश जी आओ का कुछ खबर दिन भर में निकल क्या है कलतरा क्षेत्र ले? एकल और बड़े खबर की बात करें हमारे जांजगीर जिला के जयजापुर में पेंडरी गांव हवा, वहाँ लाला जी चौरा स्व सहायता समूह हवा है, उकर माध्यम से जो गांव के माई लोगन है या राशन कार्ड के हितग्राही है उनका जो मिलने वाला दाल चाउर है माटी तेल है पेट में डाका डाला था हुआ है, जिसे शक्कर की बात करी तो शक्कर में 3 रुपया अक्तिया लेवा थे, माटी तेल की बात करी तो माटी तेल घलो में 4 रुपया अक्तिया पैसा लेवा जाता हुआ है, ये प्रकार के वहाँ लोगन मन ग्राम पंचायत के सरपंच का शिकायत करी, उकर बाद जिला जो सचिव जिला जो जिला पंचायत सदस्य हवा है उकर का अलग शिकायत है, फिर जिला सीओ हवा है शिकायत करी, और आखिरी में अगर उमन नहीं मानी तो उकर माध्यम से उमन जिला कलेक्टर जो हवा है हमारे जनक प्रसाद जी मन उनकर कर शिकायत घलो कर चुके हैं, लेकिन उमन केवल आश्वासन बस दे हवा है कि हमन का उचित कार्रवाई करे जाबो दोषी के प्रति, लेकिन कोनो प्रकार के अभी तक कार्रवाई करे नहीं गए। जी, मैं एक चीज जानना चाहूँ, वो एरिया में एक बहुत अच्छा बात सुन निकल के आते, एक कोई शिक्षक है रिटायर्ड शिक्षक देन पूरा अपन पीएफ के पैसा कुछ राशि पीएफ फंड में दिए हुए है रिलीफ फंड में, इसे कुछ जानकारी है का वही इलाका के? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सच्चे बोला था कि एक रिटायर्ड शिक्षक हवा है, वो अपन नाम लोग गोपनीय रखे हैं, हम उनका कर रहे हैं तो बोले कि हम अपन नाम लोग गोपनीय रखना चाहते हैं, वो मन अपन रिटायर जो पैसा रही से उनका खाता में 11,00,000
11 रुपया ला प्रधानमंत्री खाता में ओमन दान करे हवे जी। चलो तो कहे का मतलब ये है कि ये लॉकडाउन जो चला थे, ये जो कोरोना संकट काल चला थे, वहां अलग अलग तरह के भी जो खबर है वो आवा थे कि लोगन बढ़ चढ़ के ये जो संकट की घड़ी है उमा सरकार के योगदान करा थे, सरकार ला अपन योगदान देवा थे। तो रुपेश जी ये पूरा जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। चलो अब चलथन हमन शेखर चंद्रा जी का ना। शेखर जी आप मन के क्षेत्र ले का कुछ खबर दिन भर में निकल के आए? जी शेखर जी लगते है कुछ तकनीकी समस्या के कारण अभी शेखर जी से बातचीत नहीं हो पाई, तो फिर से जुड़े के प्रयास करबो। हमन चला था रायपुर, रायपुर ले जुड़ी हमर संग नवीन देवांगन। नवीन अगर आज के बात करे जाए तो अब छिटपुट जो भी आंशिक जो छूट है वो मिलना शुरू हो जाही, तो आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब कौन कौन चीज में लोगन ला थोड़ा सा रियायत मिल पाही? देखो जैसे बहुत जल्द मालूम है इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान हम दो दिन पहली बात करी कि जो यहाँ के कैट है वो विरोध करी से ऑनलाइन जो सरकार है घोषणा करी इसकी ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकता था टीवी फ्रिज मोबाइल, तो ओकर विरोध को हम देखते हैं। साथ ही आज जैसे लॉकडाउन में थोड़े रियायत देंगे तो रायपुर में आम दिन के मुकाबले काफी चहल पे पहल देखे ला मिली। स्लोगन मन के हुजूम निकल आ रही से बाजार में, चाहे सदर के बात करी, चाहे गोल बाजार के बात करी, चाहे जय स्तंभ इलाका के बात करी, तो लोगन के हुजूम ए लॉकडाउन ला। जबकि कल हम मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन सुने रहे तो वहां कह रही इसकी अभी हमन के लड़ाई खत्म नहीं हुए है, अभी भी हम मतलब सावधानी बरतना है। हालांकि कुछ चीज में आप मतलब छूट देता हूँ, मगर लोगन मन ला ये समझ में नहीं आते। आज भी बहुत बहनिया ले लोगन मन के एकदम भीड़ दिखे, हालांकि कई जगह पुलिस मन सख्ती भी करी से तबो ले लॉकडाउन के हिल हवाला देत लोगन मन पूरा परिवार के परिवार साथ निकला इस बाहर में, तो ये भीड़ देखे ले मिली। ये बीच में एक अच्छा खबर सरकार को तिले भी कहे जा सकते हैं, जैसे मोवा इलाका है, रायपुर के मोवा इलाका है, थोड़ा सा जो नया बसाहट है सब जो नया आते हैं वो इलाका में जाते हैं, तो इलाका में साग भाजी लेके बहुत सारा परेशानी रही है। तो आज समझा ये चीज सुन के आई इसके जो मोवा ओवर ब्रिज है जो रायपुर ला मोवा ले जोड़ते ओवर ब्रिज के नीचे करीब 35-40 सब्जी वाला मतलब अनुमति दिए गए ताकि वो एरिया के लोगन मतलब साग भाजी आसानी से मिल जाए। जी प्रकाश जी। नवीन अब कल 21 तारीख को फिर से एक अंतिम बैठक हुई ये लॉकडाउन ला लेके चर्चा करे जाही, पूरा मंत्रणा करे जाही, तो प्रदेश के लोगन का कुछ उम्मीद लगा सका थे? और कतका मतलब जो भी क्षेत्र है चाहे वो ग्रीन क्षेत्र हो चाहे ऑरेंज क्षेत्र रहे ओमा का कुछ और सुविधा मिल पाही? का आर्थिक गतिविधि ला अब आर्थिक गतिविधि में आप तेजी आ पाही? जी प्रकाश जी, सरकार के मंशा तो यही है कि लॉकडाउन के स्थिति जो सब बंद रही से छोटे मोटे उद्योग कैसे धीरे धीरे अपन पटरी में आए और लोगन मतलब भी थोड़ा सा राहत मिले। जैसे केंद्र सरकार कतिले 3 मई तक लॉकडाउन के घोषणा के बोला तो पालन करे ला पड़वे करी। ओकर अलावा जो राहत देहे गरी से छोटे छोटे दुकान और जैसे आदमी मतलब परेशानी ना हो, मगर ये देखे ला इसकी वो राहत के दुरुपयोग भी हो सकते है वही ला देखे पर आज मतलब दिन भर हम रायपुर में रहन तो देखें कि लोगन मन के हुजूम निकल पड़े है लॉकडाउन ला लेके, अभी भी थोड़ा सा दूरी नहीं बनाते, एकर चिंता मुख्यमंत्री जी ला भी है, पूरा प्रदेश ला भी है और केंद्र सरकार ला भी है। जी प्रकाश जी। नवीन आप मन ला का लगते कि कहीं ये जो हुजूम अचानक निकल पड़ते उसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि राजधानी रायपुर में बीच बीच में 72 घंटा पर 48 घंटा पर एकदम कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते, जेकर वजह से जो भी जरूरत की जो चीज है ओखर कहीं ना कहीं लोगन लग कमी हो जाते, जेकर चलते उमन फिर इकट्ठा फिर से निकल जाते? नहीं, ये अगर सरकार के बात देखें तो सरकार हर प्रकार के व्यवस्था करे हुए, यहाँ तक जैसे आपने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि साग भाजी भी घर पहुंच देवत है सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोगन मतलब थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। सरकार भी अपन मतलब जो सख्त रवैया अपनाते
और जानबूझ के नहीं आए, हमारे बार आम जनता पर ये नियम कानून बनाते। मुला लगते कि जैसे रायपुर एरिया की बात करी ने, मैं बिलासपुर भी गया, बिलासपुर को भी देखे हूँ या दोनों जैसे बड़े शहर है वो देखे हूँ कि यहाँ केस मतलब नहीं आए, भगवान न करे कोरोना के कोई भी पॉजिटिव केस आ हुआ है तो उमन के ऊपर थोड़ा सा डर कम हो गए है, मतलब कि हम सेफ जोन महन ग्रीन जोन महन, तो वो डर आदमी के डर रहे थे तो घर के अंदर बैठे रहे थे। जैसे चंद्रा जी बताइए कि घर कटघोरा इलाका में सब साथ देते, पुलिस के साथ देते, प्रशासन के साथ देते, तो ऐसे रायपुर और बिलासपुर में जो डर है वो डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। वही डर खत्म होने के कारण लोग बेधुंधक सड़क में निकल पड़े बाजार में, ऐसे मुला लगते है प्रकार। जी बिल्कुल, तो कहे का मतलब ये है कि अभी पूरा तरह ले निश्चिंत होए के जरूरत नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है, कुछ दिन के औ बात है जिखर बाद फिर से स्थिति ऐसे उम्मीद कर सकथन कि सामान्य हो जाही और उखर बाद जो जनजीवन है फिर से पटरी में लहूट आही। फिर तब तक सबो झनला सहयोग करना है। न्यूज 36 कति ले भी लगातार ये अपील करे जाते कि लॉकडाउन ही आप मन के लाइफ लाइन है, एकर पालन करो, शासन प्रशासन के जितना भी गाइडलाइन है ओकर अनुसरण सबला करना है जब तक कहे जाते। चलो हमन सीधा चलते हैं। प्रकाश जी, प्रकाश जी एक खबर आते अभी रायपुर ले, मतलब बड़े खबर है, पूर्व मुख्य सचिव रहे अमन सिंह ओकर हाईकोर्ट ले राहत मिले, अभी अभी के खबर है, 5-10 मिनट पहले के खबर है, हाईकोर्ट ले ए बात में राहत मिले है कि जो EOW जो भ्रष्टाचार मामला में जो सैलरी अकाउंट सीज कर दे रही से ओकर याचिका लगा रही से अमन सिंह हाई कोर्ट में कि मोर सैलरी अकाउंट खोले जाए करके, तो आज ई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला सुना है कि EOW का आदेश दिए है कि वो जो ओकर सैलरी अकाउंट है अमन सिंह जी के ओला सीज ले करेल हटाया जाए। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़े खबर निकल के आया है हाई कोर्ट के द्वारा कि जो अमन सिंह है पूर्व मुख्य सचिव उमल्ला राहत मिले है हाई कोर्ट ले। चलो अब हमन चलथन शेखर चंद्रा जी का ना। शेखर जी आप मन के क्षेत्र में का कुछ जो खबर है वो दिन भर में निकल के आए है। चलो लथे शेखर जी से हमार संपर्क नहीं हो पाते। नवीन तो अगर जो 21 तारीख को जो भी जम्मू जो सरकार के जो प्रतिनिधि गण हैं वो सब जन जब एक साथ जुरियाही तो कौन कौन बात के ध्यान रखे जाही, जैसे कि जो बात जो अभी तक हमार कना जो निकल के आते वो ये है कि उद्योग जो है वो धीरे धीरे चलाए के प्रयास करे जाही, हालांकि हम ये बात के ध्यान जरूर दे जाही कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करे जाए, उसके कर्मचारी बुलाए जाए जितना की एकदम जरूरत हो, जो शासकीय कार्यालय है उहमा भी ये स्थिति लागू होगी कि एक साथ सबो झनला ना बुलाया जाए, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उखर पालन करे जाए। तो अब आप अपन के पास का कुछ खबर है कि कौन कौन से जो एहतियात है वो 21 तारीख के बाद बरते जा सकते थे। देखा मोर हिसाब से जो 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 ग्रीन एरिया है जहाँ जहाँ कोरोना के केस कम आए हैं या जहाँ संक्रमित नहीं मिले है वहाँ सरकार कुछ और ढील दे सकते थे, लोगन मल्ला साग भाजी जो किराना है वो तो खुलते हैं मगर ऊपर जो टाइम है वो बढ़ा सकते थे, हो सकते थे कि 12 घंटा खुले किराना दुकान वैसी सब भाजी भी 12 घंटा खुले, तो जो आम जनता मतलब सुविधा ला दिक्कत हुए थोड़ा सा कुछ और कई चीज में ढील दे जा सकते थे। धीरे धीरे जो जहाँ तक औद्योगिक ऊपर बात करें तो देखो प्रदेश ला आर्थिक पटरी में भी लाना जरूरी है, बहुत दिन हो गए उद्योगपति मन भी कई बार मिल चुके हैं कि कुछ रास्ता निकाले जाए, तो ही सब लेके कल सरकार बैठी और मंत्रणा करी कि कौन कौन प्रकार से कैसे रास्ता निकाले जाए। प्रकार जी बिल्कुल, ये बात के संकेत तो खुद प्रधानमंत्री घलो दे चुके हैं कि अब जान के साथ जहान के भी चिंता करे जाही, खबर निश्चित रूप से देश ला चलाए बर आर्थिक गतिविधि ला भी बढ़ाए के जरूरत पड़ी। तो आप सबो जन जुड़े हो अपन अपन क्षेत्र ले पूरा ये जानकारी साझा करे हो, एकर बर आप सबो जन के धन्यवाद। तो ये रही से दिन भर के जबर खबर जो आप मन ला बताई है हमार डिजिटल रिपोर्टर मन आप मन के क्षेत्र ले। तो हर रोज संझा यही बेरा आप मन सो मुलाकात हो ही, आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।